नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के 2000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अपने 1260 क्वेश्चन दोस्तों 42 भाग में अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 43वां नंबर का अपना इसमें भाग है, जिसमें 1260 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। 1261 नंबर प्रश्न है, लर्निंग गारंटी स्कूल कार्यक्रम अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से कब प्रारंभ किया गया? दोबारा देखो, लर्निंग गारंटी स्कूल कार्यक्रम अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ऑप्शन आपके पास में 2005, 2009, 2012, 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 2005 में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग गारंटी स्कूल कार्यक्रम किस जिले में संचालित है? तो दोस्तों, और लर्निंग गारंटी स्कूल कार्यक्रम किस जिले में संचालित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखो सिरोही और टोंक जिले में संचालित है लर्निंग गारंटी स्कूल कार्यक्रम। ठीक है, सिरोही और टोंक जिले में संचालित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, ए और ब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1263 नंबर प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली CCE 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लागू की गई थी। तो दोस्तों, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इनमें से कब लागू की गई थी, वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2010-11 में यह प्रणाली 10वीं बोर्ड में लागू की गई थी, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1264 नंबर प्रश्न है, शिक्षाकर्मी परियोजना के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है, शिक्षाकर्मी परियोजना के प्रारंभ किए जाने का जो वर्ष है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कब, तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा, वो है 1984 में। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1265 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कब, तो 1994 में यह प्रारंभ किया गया था, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1266 नंबर प्रश्न है, शिक्षाकर्मी बोर्ड की स्थापना की गई, तो दोस्तों शिक्षाकर्मी बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई? तो दोस्तों 1987 में शिक्षाकर्मी बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1267 नंबर प्रश्न है, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, तो दोस्तों राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड का पुनर्गठन है वो कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2005 में यह प्रारंभ किया गया था, बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1268 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना का शुभारंभ हुआ, तो दोस्तों राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना का जो शुभारंभ हुआ वो दोस्तों कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 2 अक्टूबर 1999 को राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना का शुभारंभ हुआ था, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1269 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ है वो किसके सहयोग से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स नंबर का ऑप्शन, ए और ब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1270 नंबर प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो देखो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। विद्यालयों में उनका नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ीकरण करना, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1271 नंबर प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन राजस्थान में किसके वित्तीय सहयोग से किया गया। तो दोस्तों राजस्थान में किसके वित्तीय सहयोग से किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखो भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, राजस्थान सरकार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इन तीनों के सहयोग से की गई थी। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1272 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान को कब मंजूरी दी गई। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान को कब मंजूरी दी गई, ये अपने को दोस्तों इसमें बताना है। तो इस अभियान को जो मंजूरी है वो दोस्तों सन 2000 में दी गई थी, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1273 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 2001-2002 में यह शुरुआत हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य देखो 100% नामांकन एवं सार्वजनिक ठहराव तथा गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर समस्त लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद समाप्त करना, बिल्कुल सही है। 6 नंबर का देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1275 नंबर प्रश्न है, टीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल को लागू किया गया। तो दोस्तों टीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल को लागू किया गया, तो ये कब लागू किया गया ये अपने को दोस्तों इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014-15 में दोस्तों ये टीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल लागू किया गया। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1276 नंबर प्रश्न है, मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। तो दोस्तों मिड डे मील योजना है ये कब प्रारंभ की गई ये अपने को इसमें बताना है। तो मिड डे मील योजना है ये 15 अगस्त 1995 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी घर योजना प्रारंभ की गई। तो दोस्तों पोथी घर योजना है ये कब प्रारंभ की गई, तो दोस्तों 1999 से 2000 के मध्य पोथी घर योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1278 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना के प्रारंभ किए जाने का जो वर्ष है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें 2014-15। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1279 नंबर प्रश्न है, उसमें देखो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो देखो उद्देश्य देखो इसके माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में प्रयास करना, बिल्कुल सही है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। 6 नंबर का देखो वंचित वर्गों के बालक बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, ठीक है। दोबारा देखो वंचित वर्गों के बालक बालिकाओं का माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1280 नंबर प्रश्न है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना है वो कब की गई, तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1995 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1281 नंबर प्रश्न है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सांसी परिषद, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सांसी परिषद का अध्यक्ष है, तो दोस्तों अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष बालिका शिक्षा फाउंडेशन का, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की परिषद का अध्यक्ष है, तो दोस्तों कौन है इसका अध्यक्ष, तो आप सभी को पता होगा इसका अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री, ठीक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1282 नंबर प्रश्न है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई, तो दोस्तों बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ये योजना है वो प्रारंभ कब की गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है दोस्तों इसमें 2008-09 में यह पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी। वह नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार योजना के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है, यानी कि गार्गी पुरस्कार योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1998 में यह प्रारंभ की गई थी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1284 नंबर प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 19 नवंबर को दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1285 नंबर प्रश्न, इंस्पायर अवार्ड योजना प्रारंभ की गई, तो दोस्तों इंस्पायर योजना अवार्ड है, जो इंस्पायर अवार्ड योजना है ये कब प्रारंभ की गई, तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड योजना है ये 2009 में प्रारंभ किया गया था, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1286 नंबर प्रश्न, आपकी बेटी योजना प्रारंभ की गई, तो दोस्तों आपकी बेटी योजना है वो प्रारंभ की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2004-05 में आपकी बेटी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक असमता मुक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई, तो दोस्तों शारीरिक असमता मुक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई, तो दोस्तों यह कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। वे नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1288 नंबर प्रश्न है, मूक बगीर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2005-06 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीकली योजना प्रारंभ की गई, तो दोस्तों नैनीकली योजना है ये कब प्रारंभ की गई, ये योजना दोस्तों 2006-07 में प्रारंभ की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना दोस्तों कब संचालित की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2011-12 से निःशुल्क साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना 43वां नंबर का भाग कंप्लीट हो चुका है, कल अपना इसमें 44 नंबर का भाग आएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्य आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों इसको ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।